नेपाल के कोच और कैप्टन की तरफ से एक जो बयान हुआ, जब पहला प्रैक्टिस डे गया नेपाल का, उसके बाद ये बयान आया था कि कोशिश करेंगे हम कि 4 out of 4 मैचेस जीते जा सके। जी हाँ, 4 मैचेस हैं, 2 USA और 2 ओमान के खिलाफ। लेकिन ये कितना आसान होगा कितना नहीं, किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होती है, आपने प्लान्स किस तरह के बना रखे हैं, ये जो वार्म अप गेम्स आप खेलने वाले हैं इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आप कितना भी ऑन पेपर लिख के लेके चले जाएं, प्लान तैयार करके लेके चले ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जब आप ऑन फील्ड उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आने वाले। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, किस तरह के आइडियाज़ हैं इन वार्म अप मैचेस के लिए खास करके, ताकि आप 4 में से 4 तो नहीं, क्योंकि 4 में से 4 जीतना बोलना आसान होता है, जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप के लिए टीम के बोल दिया जाता है, लेकिन 4 में से 4 जीतना इतना आसान नहीं, खास करके नेपाल टीम के लिए इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस आप जीतें, एक बेहतर टीम इस राउंड पर आप निकले, टॉप में रहें इस राउंड में खास करके, तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो वार्म अप मैचेस हैं उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ अगर टीम उतरे, कोच उतरे, कैप्टन उतरे, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इस राउंड से मिल सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, प्लीज इन वार्म अप मैचेस को आप सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि सामने वाली टीम में कुछ नेपाल के प्लेयर्स हैं, पूर्व प्लेयर्स हैं, तो उनसे हंसी मजाक हो गया, फिर मैच को थोड़ा सा खुशनुमा बनाने की कोशिश करते, प्लीज मत बनाइए। बिल्कुल, खुशनुमा चीज़ काम नहीं आएगी, और फ्रेंडली माहौल वहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको एट द एंड मैचेस जीतने पड़ेंगे, रिजल्ट्स आपको अपने फेवर में चाहिए। इन मैचेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए, इन दोनों वार्म अप मैचेस की हम बात कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन मैचेस सीरियलाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली मैचेस खेलने में लग जाएंगे तो फिर आप इन कंडीशंस को समझ नहीं पाएंगे। जरूर ये याद रखिएगा, आपको इन कंडीशंस को समझने के लिए 2 वार्म अप मैचेस रखवाए हैं आपने, तो इसका पूरा फायदा उठाएं तो बेहतर होगा कहीं ना कहीं, जो कि एक चूक हो गई थी जिम्बाब्वे का जब टूर हुआ था शुरू के 2 वनडेज में। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? बिल्कुल, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि आखिर किया क्या जाए, जो हमारी आखिर जब हम मैच खेलने उतरेंगे तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसे हमें देनी है, और वो चीज़ है बैटिंग को। जैसे ही दोनों मैचों में आज का हो और आने वाला मैच हो, उन दोनों मैचों में बैटिंग लेने की सोचनी चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए टीम में, और तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि हमें पहले बैटिंग करनी है, जाना है और टॉस जीतकर जो नेचुरल जो पिच हमें दे रही है हमें वो करना है। पूरे पूरे सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमें बैटिंग मिले अगर हम टॉस जीते हैं तो। बिल्कुल, तो क्लियर है कि अगर आप टॉस जीतते हैं दोनों ही मैचेस में तो प्लीज़ बैटिंग लीजिए, अपने सो कॉल्ड उसके साथ मत जाइए जो आप लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको हर जगह अलग अलग तरीके की कंडीशंस मिलती है, तो हर जगह अलग अलग तरीके के डिसीजंस भी लेने होंगे आपको। तो प्लीज़ अगर आप दोनों मैचों में टॉस जीतते हैं तो 100 ओवर खेलने के लिए जाइए, जो आपने वापस से मैं कहूँगा बहुत बड़ी चूक की थी जब जिम्बाब्वे का दौरा हुआ था, जब आप टॉस वहाँ पर जीते थे शुरू के 2 मैचेस में। अब यहाँ पर बारी आ जाती है बैटिंग स्ट्रैटेजी और बॉलिंग स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी बात है बैटिंग स्ट्रैटेजी में किस तरीके की बैटिंग इंप्लीमेंटेशन कोच और कैप्टन की तरफ से बैट्समैन के लिए होनी चाहिए। याद रखिएगा, हमने जो प्लेइंग 11 बताई थी हम उसी प्लेइंग 11 के हिसाब से ये बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रैटेजी में दिखा रहे हैं। हमने वीडियो डाला हुआ था कि नेपाली औसाफ के खिलाफ किस तरीके की प्लेइंग 11 नेपाल को उतारनी चाहिए। तो बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर पहले बात करें, क्या बैटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल, देखिए बैटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो जिस तरीके के बैट्समैन कुछ डिपार्टमेंट में बांट देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार। याद रखिएगा ये सारी स्ट्रैटेजी इन 2 वार्म अप मैचेस के लिए है। जी हाँ, बस पर्टिकुलर 2 मैचेस के लिए ही ये है, यहीं पर आपको सारी तैयारी करनी है, वहाँ तो फिर मेन स्टेज शुरू हो जाएगा, तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो बैट्समैन है यानी कि जो ऑर्डर है उनको बांट कर 3 जगह डिवाइड कर स्ट्राइक रेट को अलग अलग करना होगा। यानी कि जिस तरीके से ओपनिंग की स्ट्राइक रेट है वो होनी चाहिए 90, बिल्कुल 90 या उससे ऊपर, बिल्कुल 90 अबव होनी चाहिए। वहीं पर मिडिल ऑर्डर की बात करें, जी हाँ, यानी कि 1 से लेकर 4 की बात करें या 3 की बात करें, तो वहाँ पर ये स्ट्राइक रेट 70-90 होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ इससे नीचे होगा तो टीम बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी, और टीम का जो स्कोर है वो इतना नहीं होगा कि वो जो सेकंड इनिंग टोटल में वो डिफेंड कर सके। आप यूएई की हालत देख रहे हैं, बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रही है यूएई को।
बिल्कुल ये हो रही है इसलिए कम स्कोर बन रहा है। डायरेक्ट इसका यही असर है, ऐसा नहीं है कि वो टीम कमजोर है या ये है, सीधा है रन नहीं बना रहे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं लोअर ऑर्डर की पर अगर आ जाए हम फोर्थ से लेकर या फिफ्थ से लेकर सिक्स सेवन तक आ जाए, सिक्स तक आ जाए, तो वहाँ पर 100 या 95 अबव का स्ट्राइक रेट होना जरूरी है। वहाँ पर ये नहीं चलेगा कि अब आपके पास 60 से खेल, बिल्कुल जी हाँ ऐसे खेल रहे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर ऐसे खेलना है तो 180 190 पे आप टीम रुक जाएगी, 200 250 270 जो पिच, जो रियल जो स्कोरिंग पिच है वो आप बना नहीं पाएंगे और टीम इसका नुकसान जरूर उठाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट में ये तरीका कहीं ना कहीं, और ये कहना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि आपके प्लान्स में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपने प्लेयर्स को जब वो डगआउट से निकले बैटिंग के लिए तो आप उन्हें कहें। सबसे पहले आपको मैं प्लेयर बाय प्लेयर क्लासिफिकेशन कर दूं, कुशल भूतल आसिफ से ओपनिंग करेंगे जैसे कि प्रोड्यूसर ने लगा कह दिया है, चलिए वो ओपनिंग के लिए आ रहे हैं नौ मैचेस में भी। आप उनसे कहें कि 90 अबव का स्ट्राइक रेट आपका होना चाहिए, जब आप आउट होके आए दोनों ही कुछ देर, जाहिर सी बात है कुछ देर पिच पे भी बताइए, नहीं कि आप दो तीन ओवर खेल के आए 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है तो लीजिए सर आपका काम कर दिया हमने, ये भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम 10 ओवर्स आपको बैटिंग करनी होगी, यानी क्रिटेरिया मिनिमम 10 ओवर्स आप कम से कम खेलें और आपका 90 अबव का स्ट्राइक रेट हो। ये टास्क दीजिए आप उन्हें कुशल और आसिफ को कि मुझे आप 10 ओवर खेल के दें साथ में एज अ यूनिट और 90 अबव का स्ट्राइक रेट हो जब आप रिटर्न आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा एज अ ओपनर। उसके बाद के प्लेयर्स सुनील नमाला, रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह है, क्योंकि हमने कहा था कि पहले मैच में आप सुनील दवाला को खिलाएं, सेकंड मैच में आप देवखदल को वापस उनकी जगह पर ला सकते हैं, क्योंकि मौके सबको यहाँ पर देने होंगे क्योंकि मैच सिर्फ दो ही है। तो सुनील दवाला, रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह एरी को 70-90 के बीच में स्ट्राइक रेट को अपने आप को रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक चीज और है यार, एक और बड़ी गलती क्या होती है, नहीं हम तो अच्छे टच में है, हम 100-120 की स्ट्राइक रेट में जाएंगे, वहीं पर आप कोई रॉन्ग लाइन खेल देते हैं, आप स्वीप मारते हुए अपना विकेट गवा देते हैं, वहां पर आप बोल्ड हो जाते हैं या फिर आप कहीं ना कहीं फील्डर के हाथों कैच थमा देते हैं, ये भी है यानी गलत चीज हो जाती है। 70-90 के बीच में काम चल सकता है लेकिन हमें 110-120 खेलना नहीं, यही तो है ना, फिर टीम इसका खामियाजा भुगतती है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि जब आप ज्यादा कहते नहीं है कि ज्यादा उड़ोगे तो नीचे ही गिरोगे, बिल्कुल। तो जितना नीड है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से खेलना है और क्रिकेट जरूरत के हिसाब से ही, जब रन रेट चलता है तो उसके हिसाब से ही क्रिकेट को खेला जाता है, बिल्कुल सही। 8 की जरूरत है तो 8 के हिसाब से खेला जाएगा, ना कि 12 रन के हिसाब से खेला जाएगा वो गेम, तो हिसाब से खेलना है तभी अचीव हो पाएगा टारगेट, या फिर आप जो सोच रहे हैं जीत सोच रहे हैं वो तभी आ पाएगा। बिल्कुल, अगर आप 12 के 8 के रिक्वायर्ड रन रेट को 12 के हिसाब से खेलेंगे तो आपको एक ओवर में बहुत रन मिल जाएंगे, लेकिन अगले ओवर में आपका विकेट चला गया, क्योंकि 12 के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, आपका विकेट चला गया तो आने वाला बैट्समैन क्या पता 12 क्या 6 के स्ट्राइकर्स भी ना खेल पाए और वो मैच आप हार जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज छोटी चीजें जरा सोच के देखिए। उसके बाद अब बारी आ जाती है सेकंड फेज की, मैं बैटिंग पार्ट में बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर विनोद भंडारी यहाँ पर बसते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, उन्हें कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर अपने जो बैटिंग है उसको बढ़ाए रखना होगा जरूर, वो भी बहुत क्रूशियल डाउन है। विनोद भंडारी के साथ साथ जो उनके साथ भी आते हैं जो निभाएंगे, क्योंकि विनोद भंडारी वहाँ अकेले हैं नहीं, और जो उनके साथ खेलेंगे तो उनको भी जिम्मेदारी बनानी होगी कि हमें भी ये स्ट्राइक रेट बिल्डअप करना है। आरिफ की बात जी हाँ बिल्कुल, उन पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, दोनों को मिलकर यहाँ रन बनाने हैं। जो स्टेज चल रहा है 40 ओवर हो गए हैं मैक्सिमम, क्योंकि 35 ओवर हो गए और इतने नीचे की बैट्समैन आ गए, इसका मतलब 50 ओवर भी आप पूरे खेलेंगे गारंटी नहीं है जरूर, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर इस तरीके से होगा तो बेस्ट रिजल्ट्स सामने निकल के आएंगे, बस कुछ देर का इंतजार करिए, अगर ऐसा होता है तो आपको खुद मालूम पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वार्म-अप मैचेस को आप इस तरीके की प्लानिंग के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करिए, सीरियसली लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड बैटिंग डिपार्टमेंट में एक और पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाता है, 50 ओवर्स का कंप्लीट पूरी तरह से खेलना अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यार एक चीज और है, क्या पूरे 10 विकेट मिलाकर 50 ओवर खेलना, ये भी तो फिर ठीक नहीं होगा? नहीं बिल्कुल सही, देखिए ये वार्म-अप मैच है खास, ये तब ठीक रहता है जब आप चेस कर रहे हैं। जी हाँ, अब चेस हो गया है, अब 9 विकेट गिर गए हैं आपके तो सही है, लोग जीत से मतलब जी हाँ, लेकिन पहले बैटिंग कर रहे हैं, 50 ओवर आप नहीं खेल पाए, आपके 10 विकेट गिर गए, अब 50 ओवर खेल भी लिए 10 विकेट गिर गए तो अजीब लगता है। आपके बैट्समैन ज्यादा ओवर निभाए, ज्यादा ओवर खेले, उनको ज्यादा बॉलें मिले, बजाय बॉलर्स के जिनका कोई फायदा है नहीं, बॉलर बॉलिंग खेले बैटिंग करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, एक मैच में फायदा है चलिए अच्छा है गुड गुड गुड, पर बॉलर्स माफ कीजिएगा बैट्समैन अगर लास्ट तक जाते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल कोई दराय नहीं, तो वार्म अप मैचेस में आप कोशिश करें कि
सात जो प्लेयर्स हैं यानी सात विकेट गिरने तक ही आपके 50 ओवर का कोटा कंप्लीट हो जाए अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ही वॉर्म मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर 40-47 ओवर भी होते हैं सात विकेट गिर जाते हैं, चलिए फिर भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट होता है, फिर भी काफी लंबी बैटिंग की है। लेकिन अब ऐसा हो जाए 35 ओवर हो गए 7 विकेट गिर गए, 30 ओवर हो गए 6 विकेट गिर गए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस होगी इन वार्म अप मैचेस के लिए भी। वार्म अप्स में आप अपने आप को सिर्फ इतने वार्म अप की तरह मत लीजिए, इन मैचेस में आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर वो लेने के लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, वो किस तरीके की होती है, अब वो देखना होगा कि सर ने कौन सी स्ट्रैटेजी वहाँ पर बताई हुई, कैप्टन ने क्या सोचा हुआ है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी उस तरह के पिच पे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप आ जाता है एंड आपका जो सेक्शन है वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर कितने पॉइंट है पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं लिखे हुए, बिल्कुल 4 पॉइंट जो है यहाँ पर हमारे जहन में है जो हम शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जरूर देखिए, सबसे पहले तो किशोर महतो को लेकर है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी देने के ऊपर जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी देंगे तो आप मेन स्टेज में उनसे उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग एक तरीके से कहेंगे कि जरूर मैच मिला है, अब उन पर जिम्मेदारी भी डाल दीजिए, तब देखिए वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जिम्मेदारी कैसी, लीड नई बॉल से वो करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी बड़ा फैसला होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनसे आप बहुत कुछ गेन करवा सकते हैं प्लेयर्स को, बस प्रॉब्लम ये है कि आप कितना ज़्यादा उन पर ट्रस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये मेन मैचेस नहीं है, ये वार्म अप मैचेस हैं, तो क्यों ना आप किशोर महतो को इस मैच में नई बॉल से सीधा कहें कि आप अटैक को लीड कर रहे हैं, लीजिए आपके हाथ में बॉल है और आप बॉलिंग कराइए। क्योंकि उनको एक ही मैच मिला था जिम्बाब्वे ए टूर में, वहां पर भी उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग कराई थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अलग है, आप उन्हें सीधे नई बॉल से दें। और खास करके मैं ये तब और देखना चाहूंगा जब सामने वाली टीम अगर टॉस जीती है और उन्होंने पहले बैटिंग ली। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सामने वाली टीम की पहले बैटिंग है और आपने किशोर महतो को दे दिया कि अब टेस्टिंग कंडीशन है आपने आपके लिए, अब जरा आप लीड करिए, सोमपाल को सेकंड ओवर कराइए, आप पहला ओवर किशोर महतो को दीजिए और अटैक का स्पेल वो करें, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें फील होगी और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेंगे, कंडीशन को समझेंगे कि अच्छा नई बॉल से मुझे इस तरह की बॉल यहाँ रखनी है, क्योंकि इस तरह की बॉल तो यहाँ काम नहीं कर रही, तो वो समझेंगे इन मैचेस में कहीं ना कहीं लर्न करेंगे। सोमपाल को आप सेकंड ओवर डाल सकते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पर और थी जो हमने कहा था कि सोमपाल और करण को एक साथ इन वार्म अप मैचेस में एक ही मैच में ना रखें तो बेहतर होगा, इसके पीछे का रीजन है ना जरूर जरूर। देखिए ये बहुत वेटरन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये अपने आप को ढाल लेंगे, बिल्कुल इनको जरूरत नहीं है कि इनको इतना दोनों के दोनों मैच खिलाए जाए, इतना सिखाया जाए, बताया जाए कि ऐसा ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इन पे टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम वेस्ट करने का मतलब है ये तारीफ है इन लोगों की, बिल्कुल जो इन्होंने कमाया है, इनको जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी ढल जाएंगे, बिल्कुल वो एक बार पिच को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये काम करेगी। आप खुद ही देख लीजिएगा जब मैच शुरू होंगे मेन मैचेस तब इनका परफॉर्म कैसा होता है। जरूरत है तो यंग लड़कों को देखने की, यंग बॉलर्स को देखने, किशोर है, बिल्कुल सागर है, सुशांत को आप लाए हैं, इन लोगों को यहाँ पर देखिए, इनको जरूरत नहीं है इतना, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बॉलर की एक मैच में जरूरत है। आप एक में सोमपाल को खिलाए, एक में करण को खिलाए, यही हमने प्लेइंग 11 भी आपके सामने रखी थी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट और अगला कौन सा आ रहा है बॉलिंग में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ किशोर महतो से रिलेटेड है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना जरूरी है इस दौरे में। बिल्कुल सही, आप लेके आए हैं तो प्लीज इन्हें यूटिलाइज करिए, मिडिल ऑर्डर में इनका जो रोल है फिट करिए जरा, यानी कि मिडिल ओवर्स में जब बारी आएगी तो वहां पर भी पुरानी बॉल से इनको थोड़ा टेस्ट करके देखिए कि क्या ये पुरानी बॉल से कुछ कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ नई बॉल के ही ये बॉलर हैं। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर इन ऑफ मैचेस में क्यों ना किशोर महतो के को जरा थोड़ा सा फुटबॉल का फॉर्मेशन के हिसाब से यूज करें। जरूर, जरूर, आप ये कर सकते हैं 4-3-3 आप कर लें, या फिर 5-3-2 कर लें, या 5-2-3 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप बीच में मिडिल ओवर्स में उन्हें जरूर से जरूर लाकर एक बार इन कंडीशंस में भी ट्राई करें, उनको हर तरह से टेस्ट करें, उनको बोले कि नहीं हमें आपको खर्च करना है, जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें आपको खर्च करना है, तो आपको तीनों फेस में खर्च होना है और आपको हमें यूटिलाइज करके हमें रिजल्ट्स अपनी तरफ से पॉजिटिव देने हैं। आप देखिए कि क्या ये नई बॉल से जितने इफेक्टिव है, क्या ये मिड ओवर में उतने इफेक्टिव होंगे, क्या ये डेथ ओवर में उतने इफेक्टिव होंगे, क्यों आप टेस्ट नहीं करेंगे इन वार्म अप मैचेस में, ये एक क्वेश्चन होगा, तो आप इसको भी क्वेश्चन को आंसर इसी के जरिए दे सकते हैं। एंड अगला पॉइंट, बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो स्पिनर से रिलेटेड है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बहुत क्रूशियल हो जाता है कि स्पिनर का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो रहा है, दिखने में आ रहा है,
इस राउंड में। जी आपको हम बता दें, एक छोटा सा है अभी तक आपको बता दूं, अभी तक 60 विकेट्स इस जो अभी चल रहा है यूएसए यूएई और स्कॉटलैंड के बीच में, अब तक 80 में से 60 विकेट गिरे हैं। 60 में से 36 करीब पेसर्स ने लिए हैं और 24 करीब स्पिनर्स ने लिए हैं और 3 शायद रन आउट हुए हैं, इसी के आसपास है ये एवरेज। यानी 53% पेसर्स ने लिए हैं और 41% स्पिनर्स ने लिए हैं, और जो 24 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं उसमें से 20 विकेट सेकंड इनिंग में लिए गए हैं। बस ये सब कुछ दर्शा रहा है आपको, यानी टॉस जीतकर आपको पहले बैटिंग के लिए जाना है अगर आपको अपने स्पिन बॉलर्स से कुछ फ़ायदा लेना है। एंड अब आपका बिल्कुल देखिए, अब स्पिनर्स का भी यहाँ पर रोल बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स को भी अपने जो एक रोल है, जो एक एक तरीके की बॉलिंग है जो वो एशियन कंडीशन में कराते हैं, यहाँ से निकलना होगा। एशियन कंडीशन में हम डिफेंसिव वे पे लाने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को, एशियन में यही देखा जाता है एशियन कंडीशन में। पर जब आप ऐसे कंडीशन में खेलेंगे जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफरेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं पिच से हेल्प, लेकिन सेकेंड इनिंग में ज़रूर हेल्प मिलती है, पर वहाँ पर अगर आप अटैकिंग फील्डिंग रखेंगे अपनी बॉलिंग की, यानी कहने का मतलब है स्टंप टू स्टंप रखें, ये पहला है। दूसरा, कवर को ऊपर रखें, कवर को आगे रखें, यानी कि बैट्समैन के सामने रखें, जितना हो सके ऊपर की तरफ लाएं। स्लिप एक ऑन रखें हमेशा जब भी स्पिनर बॉलिंग करा रहा हो, मैटर नहीं करता कि वो स्पिनर कैसा है, वो दीपेंद्र सिंह यानी भी हो सकते हैं, वो संदीप लामिजानी भी हो सकते हैं, एक स्लिप पर्टिकुलर होना ही चाहिए और मिड विकेट हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये फील्डिंग पोजीशन है और इस पोजीशन पर बिल्कुल गारंटेड है स्टंप टू स्टंप, कवर ऊपर, मिड विकेट ऊपर, स्लिप ऑन, गारंटेड है कि इसमें विकेट आएगा ही आएगा, बैट्समैन फंसेगा ही फंसेगा। खिलाने की कोशिश करेंगे आगे ड्राइव लगाने की, तभी बैट्समैन विकेट देगा, वरना नहीं देने वाला, मुश्किल होगा विकेट लेना। बिल्कुल, और ये हमने देखा है इन चारों मैचेस में, ये जो चारों मैचेस हुए हैं यूएई स्कॉटलैंड और यूएसए के, इनमें हमने बहुत ही क्लोजली फॉलो किए हैं सारे विकेट्स को, सारे डिलीवरीज को, कि इसी तरीके की फील्डिंग और इसी तरीके के अटैक के साथ मोस्टली स्पिनर्स को विकेट मिलते हुए नजर आए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा स्पिनर्स को, जो अभी तक अभी हमने समझाया, इस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रॉपर स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। विजय फैसल ने कहा 24 में से 19-20 विकेट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ने निकाले हैं अभी तक, जो तक निकले हैं इस मैच में। और कोई पॉइंट एंड बॉलिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड? बिल्कुल देखिए, ये फील्डिंग को लेकर ही है कि जब शुरू में कम से कम 15-16 ओवर तक आपको अपनी सर्कल में ज्यादा फील्डिंग रखनी है, शुरू के 15-16 ओवर में। ऐसा नहीं है कि 10 ओवर है मैंडेटरी है तो आपने रखा लेकिन उसके बाद नहीं रखा। शुरू के 15-16 ओवर में आप जितना प्रेशर बना पाएंगे दूसरी टीम पर उतना बेहतर होगा। बिल्कुल, उतना बेहतर होगा। उतना क्या होगा कि बाय द वे अगर आप टॉस नहीं जीतते हैं बाय द वे, तो फिर आपको चेस करने के लिए टारगेट कम मिलेगा। और कैसे फायदा होगा जब आप शुरू के 15-16 ओवर में 50 या 60 रन ही दूसरी टीम को बनाने दें। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर स्ट्रेटजी है कि अगर आप, जैसे कि हमें पता है कि 10 ओवर का पावर प्ले होता है, तो आप उस पावर प्ले के बाद भी अपनी जो फील्डिंग है उसे अटैकिंग ही रखें। आप एक प्लेयर पीछे ले लें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि मोस्टली जिन जगहों से गैप निकलता है, जिन जगहों में कैचेस आने के चांसेस होते हैं, उन जगहों को आप ना छोड़ें। भले ही पावर प्ले वहां पर आपको उसके बाद अनुमति देता हो, लेकिन आप फिर भी अपने स्ट्रिक्ट अटैकिंग मोड पे कायम रहें। आप 10-15 रन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप खुद देखेंगे कि अरे यार 10-15 रन तो हमने दिए, लेकिन एक बड़ी मछली हाथ लग गई। बड़ी मछली से मेरा मतलब है एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर हाथ लग गया, जो सीधे कवर से पॉइंट पे आपको कैच देके बैठ गया, फिर स्लिप में कैच देकर बैठ गया। तो ये बहुत सारी क्रूशियल चीजें हैं, ये स्ट्रेटजी प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आप मैचेस में यूज करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप इन्हें यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट्स आपके सामने होंगे कि आप 4 में से 4 ना सही, क्योंकि चाहे ये हम नहीं कहते कि 4 में से 4 अपनी सामने वाली टीम की भी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी टीम होती है अपनी, लेकिन आप मोस्टली मैचेस 4 में से 3 या मोस्टली मैचेस आप यहाँ पर जीतने में कामयाब जरूर रहेंगे और लगेगा कि हाँ वाह क्या टीम खेली है। ये इस स्ट्रेटजी से आप निकल कर आएगा। इस वीडियो को आप रिक्वेस्ट है कि आप लाइक तो करें, अगर आप सहमत है शेयर भी शेयर लोगों तक पहुंचे, क्या पता वहां तक भी पहुंचे, जहां तक ये सफर करते करते इंडिया से यूएसए पहुंच जाए, लेकिन घंटे कुछ ही बचे हैं वो मैच शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं, हम आप सब ये यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए किस तरीके की क्या ये इम्प्लीमेंटेशन चीजें सही होंगी या फिर नहीं, और देखना होगा। अब यहाँ पे नजर रखनी होगी कि कोच सर जो है उनके पास कौन सी स्ट्रेटजी है, ये तो हमारी डेलिवरी स्ट्रेटजी थी, उनके पास वहाँ मैच में क्या स्ट्रेटजी है, देखना होगा कि वो कितनी सक्सेसफुल रहती है। चाहेंगे सक्सेसफुल जरूर हो, लेकिन देखना होगा क्या है क्या चीजें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियन क्रिकेट चैनल है, इसे मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट अपना लगातार बनाए रखिए हर तरीके से।